सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। धर्म अध्यात्म का पाठ पढ़ाता है तो अध्यात्म सेवा भाव जगाता है। जहां वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर जय घोष लगते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो 9 दिनों तक बालोटा के जनकपुरी स्थित श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में गुंजायमान होते रहे, जहां मानवता का, इंसानियत का, नागरिकता का, नैतिकता की चर्चा होती रही और बाहर से आए मानस मर्मज्ञों की सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक बातों को निचोड़ा गया, जहां अध्यात्म की प्यार ऐसी बहती थी कि हर कोई मंत्र मुग्ध होता रहा। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम् गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरीरंतर विभूषित वाम भागम् जी। पलामू जिला मुख्यालय मेंदर के वार्ड नंबर 7 में स्थित श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में हर वर्ष बसंत पंचमी के बाद शुरू होने वाला श्री रामचरितमानस नवाहन परायण पाठ महायज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन विश्राम के साथ आगामी अधिवेशन से पहले विकास का वो रूपरेखा तैयार कर लिया, जहां से समाज के लिए हितकारी, मंदिर विकास के लिए लाभकारी एवं धर्म ध्वजा फहराने के लिए कारगर साबित होगा। यज्ञ समिति अध्यक्ष सुधीर तिवारी की अगुवाई में विवाह मंडप और शौचालय निर्माण आपसी सहयोग करने की घोषणा की गई, जहां अध्यक्ष ने शुभारंभ करते हुए 11,000 रुपए सहयोग की राशि पहले देने की घोषणा जहां की, वहीं अब तक अवरोध रहे संसद कोटे के इंतजार पर भी चिंता जाहिर की, जिसके बाद यज्ञ समापन समारोह में बतौर अतिथि पहुंचे सामाजिक एवं राजनीतिक चेहरों ने मंदिर समिति के सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख दे दी। जाने माने समाज सेवी सह व्यवसायी राम नरेश सोनी ने जहां एक कमरा अपने ओर से बनवाने का वादा किया, तो वहीं नौजवान संघर्ष मोर्चा के प्रभारी सह युवा पलामू के प्रणेता राकेश तिवारी ने अपने मोहल्ले में धार्मिक एवं सामाजिक स्थल को भव्यता प्रदान करने के लिए 51,000 रुपए की घोषणा कर दी। फिर क्या था, ये कारवां बढ़ चला जिसे मजबूती प्रदान कर दी स्वच्छता अभियान के प्रमंडलीय प्रभारी सब पाके के लोकप्रिय भाजपा नेता डॉक्टर अमित प्रकाश ने, जिन्होंने 1,01,000 रुपए की सहायता करने का ऐलान कर दिया। फिर वहां मौजूद सांसद के प्रिय सह पलामू भाजपा के बड़े चेहरे विभाकर पांडे कहां पीछे रहने वाले थे, बाकी सांसद कोटे के राशि मुहैया कराने का वचन दे डाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों एवं मंदिर समिति में जोश और उत्साह आ गया। जनकपुरी के विकास में 41वें अधिवेशन का समापन समारोह मील का पत्थर साबित होगा, जब ये वादे पूरे कर दिए जाएंगे, जिसका इंतजार हर किसी को रहेगा। और सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहे तेरी राम कहानी, जब चले सभी माताएं बने हाथ जोड़कर बोले, भैया लोग दोनों आप स्वर से जय घोष करें, एक बार मुख से कहो जय श्री सीता जय श्री राधे। बोलिया।